अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 14 शाबान का दिन गुजार कर रात में यानी शब बरात में इबादत करना, नवाफिल पढ़ना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है। शब बरात में इबादत करने पर बेहद सवाब मिलता है। शब बरात में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत के ताल्लुक से उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, शब बरात में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह तक इबादत में मशगूल रहते। कभी आप खड़े हो जाते और कभी बैठकर इबादत फरमाते, यहाँ तक कि आपके पांव मुबारक पर वरम आ जाता यानी पैर सूज जाया करते थे, इतनी ज़्यादा इबादत फरमाते। नाज़रीन, इतना तो आप समझ चुके कि शब बरात में इबादत करना सुन्नत है और शब बरात में कई किस्म की नफल नमाज़ें भी पढ़ी जाती हैं, लेकिन हम 6 रकात नफल नमाज के बारे में आपको बताएँगे। शब बरात में ये 6 रकात नफल नमाज औलिया इकराम बुजुर्गान दीन पढ़ा करते थे, उनका ये मामूल था। ये 6 रकात नफल नमाज पढ़ने का तरीक़ा क्या है, नियत आप कैसे करेंगे और इनमें कौन कौन सी सूरतें पढ़ी जाएंगी, इस वीडियो में मुकम्मल तरीक़ा आप समाअत करेंगे। आप इस वीडियो को मुकम्मल ध्यान से सुने और अच्छी तरह समझें। नाज़रीन, शब बरात में 6 रकात नवाफिल मगरिब के बाद आप पढ़ेंगे यानी मगरिब के 3 फ़र्ज़ और सुन्नत वगैरह से फारिग होने के बाद 6 रकात नफल नमाज 3 सलाम से पढ़ी जाएगी। अगर मगरिब बाद आप ना पढ़ सकें तो फजर से पहले पहले ही पढ़ लें। इस नमाज को आप 2-2 रकत करके पढ़ेंगे यानी 2-2 रकत की आप नियत बांधेंगे। पहली 2 रकत उम्र की दराजगी के लिए पढ़ें। इसकी नियत आप इस तरह करें, नियत की मैंने 2 रकत नमाज नफल खैर के साथ लंबी उम्र पाने के लिए वास्ते अल्लाह ताला के मुहमेरा काबे शरीफ की तरफ। फिर 2 रकात तंग दस्ती मोहताजी दूर होने की नियत से पढ़ें। इन 2 रकात की नियत आप इस तरह करें, नियत की मैंने 2 रकात नमाज नफल मोहताजी तंग दस्ती दूर करने के लिए वास्ते अल्लाह ताला के मुहमेरा काबे शरीफ की तरफ। फिर 2 रकात तमाम मुसीबतों और आफतों से हिफाजत के लिए आप पढ़ें। इन 2 रकात की नियत आप इस तरह करें, नियत की मैंने 2 रकात नमाज नफल तमाम आफतों मुसीबतों से हिफाजत के लिए वास्ते अल्लाह ताला के मुहमेरा काबे शरीफ की तरफ। तो ये कुल 6 रकातें हो गई, 2 रकत उम्र की दराजगी के लिए, 2 रकात बलाएं और परेशानियां दूर होने के लिए, 2 रकात लोगों का मोहताज ना होने के लिए। 6 रकत की नियत का तरीक़ा आपको मालूम हो गया। ये नमाज आप उसी तरह पढ़ेंगे जैसे आमतौर से पढ़ते हैं। इन 6 रकातों में अल्हम्दो पढ़ने के बाद जो सूरह आप चाहें पढ़ सकते हैं, जो सूरत आपको अच्छी तरह याद हो। 2 रकत पर सलाम फेरने के बाद 1 बार सूरह यासीन, 21 बार सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद मुकम्मल सूरत आप पढ़ें। अगर आप कुरान पाक पढ़ना नहीं जानते हैं, आपको अरबी नहीं आती, तो कोई एक शख्स जिनका कुरान अच्छा हो या इमाम साहब बुलंद आवाज़ से यासीन शरीफ पढ़ें और बाकी लोग खामोशी के साथ गौर से सुनें। हाँ, जब कोई एक शख्स बुलंद आवाज़ से यासीन शरीफ पढ़े तो कोई दूसरा ना पढ़े, क्योंकि जब बुलंद आवाज़ से कुरान पढ़ा जाता है तो सुनना वाजिब होता है। फिर 15 शाबान की ये दुआ आप पढ़ें जो स्क्रीन पर देख रहे हैं। अगर ये दुआ नहीं पढ़ सकते तो आप किसी से पढ़वा कर सुन लें। तो इस तरीके से आपको ये 6 रकात नमाज पढ़ना है और इस नमाज के अलावा आप ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पाक की तिलावत करें, दुरूद पाक पढ़ें, तौबा इस्तिग़फ़ार करें, अपनी क़ज़ा नमाजें ज़्यादा से ज़्यादा पूरी करें और सिर्फ शब बरात ही में इबादत ना करें बल्कि 5 वक्त नमाज की पाबंदी लाजमी करें, क्योंकि 5 वक्त की नमाज़ ये फ़र्ज़ है, इससे आपको छुटकारा नहीं है, हर हाल में पढ़ना ही है। इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।